7th of October, the highway is jammed. लग रहा है सभी जा रहे हैं हिंदुस्तान को चीरने, बट हम हिंदुस्तान को चीरते हुए जबलपुर होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए, महाराष्ट्र पूरा देखते हुए उत्तर प्रदेश घुसेंगे, ओरछा होते हुए उत्तर प्रदेश घुसेंगे थ्रू इटावा एंड कानपुर, फिर कानपुर से हम जाएंगे आगरा होपफुली, जो दुर्गा पूजा की नवमी है, नवरात्रों की नवमी है और दशहरा की नवमी है, उस दिन हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। वी हैव एक्चुअली नाउ स्टार्टेड द रोड ट्रिप फेज, इसके बाद हमारा रोड ट्रिप सीधे होगा टूवर्ड्स द एंड। So please keep watching, please be on the road with us and continue to trip with me season 1. मैंने आर्मी में भी ट्राई किया और पुलिस में किया, सीआरपीएफ में किया, सब जगह ट्राई करके, लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम निकलता है ना। क्या मेडिकल प्रॉब्लम? ये जो सर्दी आती है कान में, ऐसे प्रॉब्लम तो इन मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आपका क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया? रिजेक्ट हो गए तो वापस दे सकते हैं कि नहीं? वापस देने के अभी उसको ये एज बार हो गए ना, अभी कैसे होगा? एज बार कितना होता है?
ओपन में 22 साल मिलेगा अभी क्या उम्र हुई अभी मेरी 31 हो चुकी है आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते थे आर्मी में ये देश सेवा कोई हो जाएगी मैंने बहुत सारे लोगों का सुना था कि सीआरपीएफ का कॉल 4-5 साल से भी आ सकता है 3 साल से भी आ सकता है लेकिन अभी मेरे 7-8 साल हो गए अभी तक तो कोई कॉल आया नहीं इसलिए छोड़ दिया मन से कि आप अभी हमारा धंधा चालू करें वीरल एक बार फाइंड आउट करना सीआरपीएफ में भर्ती होने का लास्ट एज क्या है जहाँ पे ये किसी भी सिविल सर्विस या गवर्नमेंट सर्विस या किसी भी तरह की सर्विस में भर्ती हो सकते हैं आप अगर अभी भी मौका मिले तो जाना चाहेंगे जाएंगे ना क्यों नहीं जाएंगे लेकिन आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच मराठी में कुछ बोलना चाहेंगे आम्ही भारतीय असे आहेत की जे आम्हाला मनातून मिळवायचं असेल ते आम्हाला मनातून मिळवायचं असेल मनातून मिळवायचं असेल ते आम्ही मिळवतो ते आम्ही मिळवतो मिळवतोच 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 क्या मिला मिलावटोस मिलावटोस समझे जो हमारे दिल में है हम लोग ऐसे हैं हिंदुस्तानी कि अगर हमारे दिल में हमने कोई बात बना ली तो जरूर करके माने जो भी वहाँ जितना दुकानदार है वहाँ पे हम ड्राइवर जाते हैं हम वहाँ पर कमीशन मिलते हैं जितने चोर लोग हैं सब मंदिर में हमको मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे पहले ज़माने में भगवान आदमी को रक्षा करते थे और ये आदमी भगवान को रक्षा करते पैसे की हम क्योंकि लोनार की तरफ जा रहे थे अच्छा सीधे वहीं निकल जाते हाँ वहीं निकल जाए सीधे वहाँ भी वहाँ जा कोई मतलब नहीं बनता जो तेल चढ़ाते हैं वही तेल चढ़ाता है फिर वही तेल वापस आता है वही बॉटल चेक होता है बटन लगा रहता उसका वो जो वहाँ जितने भी गाँव है वो लोग तेल बेचने का काम करते हैं हाँ What I'm having right now is a very traditional and a very very staple food of Maharashtra. It's called the Misal Pav and it competes on that list to top with the Vada Pav and the Aloo Samosa Pav and all that. So Misal Pav is something you must have when you're in Maharashtra. शनि शिकना पर धूले धूले से पास है ना गोटी गोटी है बुलडाना जाना है हमें फाइनली नासिक की ये है शिरडी शनि शिकना पर भी यहीं कहीं होगा एलोरा एलोरा के बाद औरंगाबाद औरंगाबाद से हम बुलडाना जा सकते हैं या तो ये रास्ता है शिरडी शिरडी की सर्विस इस तरफ है रात को शिरडी खुला रहता है 24 घंटे किसी भी घर में दरवाजे नहीं हो शनि का मंदिर है Apparently that protects the village and makes it a very safe place to live in. But मुझे नहीं लगता कि वो अभी और सच है इट्स अ मिथ नाउ एंड वी ऑलरेडी लेट बिकॉज ऑफ अ ह्यूज ट्रैफिक दैट वी फाउंड ऑन द वे सो नाउ वी आर 6 hours and 37 minutes अवे फ्रॉम लोनार लेक विच वी रियली वांट टू कैप्चर एंड वी वांट टू गेट आवर सनराइज सो लेट्स नॉट मिस सनराइज एट लोनार फॉर श्योर बिकॉज वी रियली नीड टू मेक दिस स्पेशल मे बी गेट सम गुड शॉट्स इन दिस कैन कम टू वास इन लोनार एंड देन हेड फॉरवर्ड So I'm gonna wrap this man up in 11:15, day 5, trip with me. Kasara Ghat situated on the Mumbai-Nasik highway is said to be haunted and lots of people have had their share of paranormal experience here.
people claim to see an old headless lady here, accompanied with hysterical laughing. The ghat has seen many accidents and has been used as a dumping ground of murder victims. So a lot of restless souls haunt Kasara Ghat. सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हैं. फिलहाल मैंने कई सारी गाड़ियाँ देखी हैं जो गुजर रही हैं यहाँ से, तो आई डोंट थिंक इतना पैरानॉर्मल कुछ है. दिस हैज बीन मेंशन्ड इन अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स एंड अपेरेंटली इन सम ऑफ द आर्टिकल्स इट्स ऑन नंबर वन, बट इट्स नॉट रियली एडवाइसेबल इफ यू डोंट नीड टू. यू कैन हैव अ लुक एट अ बंच ऑफ पीपल ट्रैवलिंग, अ बंच ऑफ पीपल विद हेड्स ऑन देयर हेड्स ट्रैवलिंग फियरलेसली. हमें बोला गया है कि पेड़ों पे नजर आती है, तो कुछ देर बाद हम अपना एक कैमरा सिर्फ पेड़ों पे पॉइंट करेंगे और छोड़ देंगे. ट्रिप विद द घोस्ट ऑफ कसारा घाट. चलो. फर्स्ट टाइम आई हिट एन एनिमल मैन. मैंने रियली कोशिश की बचाने की, आई स्वेयर. अगर मैं नहीं मरता बिल्ली थोड़ा राइट जाती है तो ट्रक के नीचे आती. Oh God, मैं अगली बार फोन मार दिया करूँगा. Oh shit, man. Fuck. यार पार लीजिए तो पार लीजिए, ले आ जाके और देख ले कितना खून मून लग गया गाड़ी में. This is one of those holds we take every time you feel that you're gonna doze off. So it's always better to stop by, drink a cup of chai, get the energy back and then start driving again. So day 6 has begun, 1:25. We have another 4 hours technically to go before we need to get to Lonar Lake, which is the world's third largest crater. So we keep going, keep tripping, guys. कार लेके आएगा? कार, ट्रेन, बस, सब कुछ. कन्याकुमारी से कश्मीर. अच्छा अच्छा अच्छा. पूरा इंडिया. कितना आदमी आएगा? 4. फेमस एंड स्पेशल शिरडी साई बाबा टेम्पल. क्या नाम है आपका? अंकुश. अंकुश, क्या करते हो? स्कूल में ये रूम भरते हैं. हाँ, रूम भरते. रूम भरते हो? स्कूल जाते भी नहीं? जाता हूँ. तो रात को ये काम करते हो? मेरा नाम है शुभ. हाथ मिलाओ. हाथ ऐसे मिलाते हो और ऐसे करते हो, ऐसे मारो. अच्छा, मैं जा रहा हूँ 30 दिन में पूरा इंडिया घूमने. तुम घूमोगे मेरे साथ 30 दिन में? हाँ. Oh man, that was some hell of a Krishna. Pure weed. So that was pure weed. I thought I had to go to Banaras to get all of this, but here in front of Shirdi Sai Baba, these boys, these fun youngsters have just given me Baba ka Prashad. Sai Baba, please forgive me if you think this was unnecessary. बट क्या करें, 2:30 बजे हैं, छाती को जगाना था
भाई बाबा जी आ गए, बाबा के प्रसाद वाले। हाँ नंबर कार्ड दे दो मेरा प्लीज। अभी ऐसा लग रहा है जिस रेट में मेरा कार्ड बट रहा है पूरे इंडिया में, उस रेट में इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। ये मेरा होटल का कार्ड है। तुम्हारा नंबर और नाम बताओ। वो लिख रहे मराठी 3091 बाबा जी की। ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। अरे तीन दिन यूपी में थे तो वहाँ दम लगाया था कि नहीं? अरे बहुत प्रसाद था हमको बहुत। कहाँ से लाते हो प्रसाद? वो उधर के तुम्हारे यूपी के जो है ना ट्रस्टी वगैरह, उन्होंने हमारे लिए सब सुविधा किया था उधर। बढ़िया है, दम लगा गया, एकदम बढ़िया रहने के लिए। ये पुलिस वुलिस रोकती तो नहीं है दम लगाने? नहीं, दम लगाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अलाउड है। अलाउड इधर डिपार्टमेंट कोई भी किधर भी अलाउड, वैसी कोई बात। डिपार्टमेंट वाले भी दम लगाते होंगे? डिपार्टमेंट वाले भी बहुत दम लगाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कैसा है, वो खुलेआम नहीं, अपना नशा अपने घर। दिस हैज बीन क्रेजी। 2:30 इन द नाइट आई जस्ट हैड दम लगा के हईशा, क्योंकि कहते हैं बाबा जी का प्रसाद कभी मना नहीं करते। बाबा जी का प्रसाद खुल के बढ़ता है, यहाँ डिपार्टमेंट वाले भी लेते हैं, कोई मना ही नहीं है। आराम से पियो फूको। अभी मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग गिव अप कर दिया है। जस्ट क्रॉस्ड शिरडी साई बाबा टेम्पल। जय साई बाबा। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस।